भारत में नए मोटर वाहन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद से वाहनों के चालानों में भारी संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ लोगों का चालान इसलिए काटा गया है क्योंकि उनके पास गाड़ी के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कागज नहीं थे। इन लोगों ने चोरी होने के डर से या फिर डॉक्यूमेंट खो जाने के डर से कागज घर पर रखे हुए थे, इस कारण उनका चालान काटा गया था। लेकिन सरकार ने डिजी लॉकर नामक सुविधा की शुरुआत कर दी है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस या फिर किसी अन्य अथॉरिटी को दिखाया भी जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजी लॉकर क्या होता है और इसके अकाउंट को कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे जा सकते हैं? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर की सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 साल पहले यानी जुलाई 2015 में शुरू की गई थी, लेकिन इससे संबंधित नियमों को 2017 में जारी किया गया था। डिजिटल लॉकर या फिर डिजी लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है। डिजिटल लॉकर का लक्ष्य दस्तावेजों को हार्ड कॉपी के उपयोग को कम करने और एजेंसियों और अन्य विभागों में ई डॉक्यूमेंट्स को आसानी से शेयर करना है। ये सुविधा हर समय हार्ड कॉपी के रूप में सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को ले जाने के सिरदर्द को कम करती है। आइए आप जानते हैं कि डिजी लॉकर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। डिजी लॉकर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन पर डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद यूजर्स को साइन अप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूरी करेंगे, उपयोगकर्ता के मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा। फिर अगले चरण में लॉगिन करने के लिए आपको अपना यानी उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड सेट करना होगा। इसके बाद डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा। लेकिन आपको इस खाते को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना आधार नंबर देना होगा। डिजी लॉकर अकाउंट बनाने के बाद अब उपयोगकर्ता इस लॉकर में अपने स्कैन किए हुए दस्तावेज, वो कोई भी दस्तावेज हो सकते हैं आपके इम्पोर्टेंट, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। एक फाइल का मैक्सिमम साइज 10 MB का हो सकता है और एक यूज़र को 1 GB डेटा स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप में दिखाए गए पेपर्स को ओरिजिनल माना जाएगा। ये सुविधा शुरू हो चुकी है और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए फटाफट से जान लेते हैं कि डिजी लॉकर खाते के बेनिफिट्स क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को कहीं ले जाने की आवश्यकता को कम करेगा। इससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चोरी होने और गुम होने के मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। डिजी लॉकर ई डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करेगा और इस तरह फर्जी डॉक्यूमेंट्स के उपयोग को समाप्त करेगा। डिजी लॉकर के कारण ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए बार बार सरकारी विभागों और एजेंसियों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही ये विभाग भी अन्य कार्यों में अपना ध्यान लगा सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए ऑफिस के बाबुओं और अधिकारियों को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। आप ट्रैफिक पुलिस को डिजी लॉकर में रखे गए डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। अब तक डिजी लॉकर सुविधा के 26.64 मिलियन रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं और इस लॉकर में 3.53 बिलियन डॉक्यूमेंट्स स्टोर किए जा चुके हैं। हमने इस वीडियो में आपको डिजी लॉकर के बारे में जानकारी दी है, उससे ये स्पष्ट है कि आगे आने वाले समय में डिजी लॉकर की सुविधा बहुत लोकप्रिय होने जा रही है, क्योंकि ये बात सुविधाजनक और समय की ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूं ही देखते रहें JagranJosh.com।